नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो MBBS इन रोमानिया, जो कि एक शेंगन कंट्री है, जो कि उनका मेजर इंटेक 1 अक्टूबर 2024 वाला है, उसके जो एडमिशन्स हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने बच्चों के एडमिशन्स पब्लिश कर दिए हैं जिन्होंने वहाँ जाकर MBBS और BDS करनी है। तो मेरे पास अप्रोक्स वहाँ की 9 से 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं और हमारे पास इस साल अप्रोक्स 28 और 29 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं डिफरेंट लोकेशन से, वर्ल्ड वाइड कंट्रीज, नॉट इट सेल्फ इंडिया, मतलब टोटल 29 स्टूडेंट्स हैं हमारे। कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज से हैं जिन्होंने हमें अप्रोच किया, पाकिस्तानी इंडियन नेशंस के लोग जो यहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर सेटल्ड हैं, उनके बच्चे जो उनके साथ फैमिली रियूनियन पर गए तो उन्होंने भी हमें अप्रोच किया हुआ है। इवन USA का, ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट भी हमारे पास, और इवन पंजाब के भी स्टूडेंट हैं हमारे पास, और हर एक स्टेट इंडिया की के एक एक दो दो स्टूडेंट्स हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। तो अभी जो रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड हुए हैं उसके बारे में मैं वन बाई वन डिस्कस करके आपको बताऊंगा। अगर आपकी डेस्टिनेशन रोमानिया MBBS और BDS की है, स्टिल आपके पास ऑप्शंस हैं, आप एज अर्ली एज पॉसिबल हमें संपर्क करें। आपके डॉक्यूमेंट, आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपका एडमिशन कहाँ से आने के चांसेस हैं। इस साल कंपटीशन कंपेरेटिवली अगर मैं पिछले 5 साल का ग्राफ देखता हूँ, बहुत ही हाई रहा है। अभी 29 स्टूडेंट्स थे हमारे पास, 9 बच्चों के एडमिशन कन्फर्म्ड हो चुके हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ की लिस्टें हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की जो पब्लिश हुई हैं वेबसाइट्स के ऊपर। तो जो 9 बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं उनमें से आई थिंक 7 बच्चों ने अपनी कन्फर्मेशन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ को भेज दी है, 2 बच्चों ने अनदर यूनिवर्सिटीज़ के रिजल्ट्स वेट कर रहे हैं कि हम उनके रिजल्ट्स देखेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे। और इन्हीं में से ये लेकर चलिए 7 बच्चे का जो रिजल्ट्स है वो वेटिंग लिस्ट में आया है, वो कट ऑफ में नहीं आ पाए। और जो अनदर स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट्स अभी भी हम वेट कर रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अभी तक रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं किए हैं, और 2 बच्चों की एप्लीकेशन इनवैलिड भी हुई है। इनवैलिड के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। रीजंस क्या हो सकते हैं? आपके जो स्पेलिंग्स हैं नाम के, आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में डिफरेंट हैं, आपके पासपोर्ट में डिफरेंट हैं, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट में डिफरेंट हैं, दैट रीज़न इनवैलिड के कुछ रीजंस हो सकते हैं। जहाँ आपने अपने जो डॉक्यूमेंट हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मेडिकल है, साइकोलॉजी जिसको एक मेडिकल डॉक्यूमेंट है प्रोवाइड करना पड़ता है, तो कुछ बच्चे हमें वो प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो 2 बच्चों की एप्लीकेशन इनवैलिड भी हुई है। लेकिन जिन 2 बच्चों की एप्लीकेशन इनवैलिड हुई है तो उनको हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में फिर दोबारा डालेंगे। तो आज की डेट में सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल क्लोज्ड हो चुके हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, कुछ के वेटिंग में हैं। तो अभी मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताऊंगा जिनके रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, कौन से वाले वेटिंग में हैं, कौन से अपना जो नेक्स्ट पोर्टल खोल सकते हैं, क्योंकि 3 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं प्रोबेबिलिटी लगती हैं कि वो अपना जो नेक्स्ट पोर्टल भी ओपन करेंगे। मैं फिर बताया, इस साल बहुत सारे बच्चों ने रोमानिया में अपनी MBBS के लिए अप्लाई किया है, कंपटीशन बहुत हार्ड रहा है। तो साथ में मैं ये भी बता दूं कि रोमानिया MBBS से रिलेटेड हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं 2, MBBS इन रोमानिया एज वेल एज सक्सेस स्टोरी ऑफ रोमानिया, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहाँ जाकर आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि क्राउन इमिग्रेशन इन चीज़ों में कितना टेक्निकल है। और इस वीडियो में मैं ये भी बता दूं कि जिन बच्चों के एडमिशन्स आ चुके हैं, कुछ बच्चों ने अपने लेवल पर अप्लाई किया होगा या कुछ बच्चों ने अपने एजेंट्स कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया होगा, तो कंसल्टेंट के साथ अगर उनकी ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही, वो हमारी सर्विस चाहते हैं फर्दर वीज़ा पर्पज़ के लिए, तो वो हमारी वीज़ा पर्पज़ के लिए सेपरेट सर्विसेज भी ले सकते हैं। आप हमारी सर्विस ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ बच्चों को फंड्स मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम आती है, फंड्स फॉर द पर्पज़ ऑफ वीज़ा, जब उन्होंने अपना वीज़ा अप्लाई करना होता है तो वो उनके पास सफिशेंट फंड्स नहीं होते, तो उन बच्चों को भी हम सेपरेट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपने अपने जो फंड्स हैं कैसे दिखाने हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ वीज़ा, वो हम आपको कहाँ से अरेंज करवा कर दे सकते हैं, उसमें कैसे असिस्ट कर सकते हैं, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं।
इवन अगर आपका वीज़ा कल आता है, आने के बाद आप अपने पेरेंट्स का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं रोमानिया का, कि आपके पेरेंट्स आपके साथ में जाएं रोमानिया में, तो क्राउन इमिग्रेशन आपको उसमें भी सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। तो हमारी सर्विस ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। तो जिस भी कंसल्टेंट से आपने सर्विस लेनी है उनकी टर्म एंड कंडीशन ज़रूर चेक करें, क्योंकि हम सिर्फ 15,000 रुपये एडवांस में लेते हैं, 15,000 एडवांस में है, 15,000 जब बच्चे का एडमिशन आता है, और हमारी सारी की सारी बाकी सर्विस जब बच्चे का वीज़ा ग्रांट होता है उसके बाद लेते हैं। हम किसी भी बच्चे का कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं, और आपके पासपोर्ट की जो कलेक्शन है आप खुद एम्बेसीज में जाकर ले सकते हैं। हमारे पास सारी की सारी ओपन एंड ट्रांसपेरेंसी सर्विसेज हैं। ऐसी टर्म एंड कंडीशंस भी आपने अपने कंसल्टेंट से चेक करनी है जब भी आपने अपना केस स्पेशली एमबीबीएस के लिए देना है, जब आपने अब्रॉड में जाना है। तो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं बता दूं कि यूनिवर्सिटीज़ के जिनके रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, जिसमें हमारे 9 बच्चों की एडमिशन्स कन्फर्म्ड हुई हैं, उसमें जीडी पोपा है, उसमें हमारे कुछ बच्चों के एडमिशन्स आए हैं, कैरोल के कुछ बच्चों के एडमिशन्स आए हैं, लूसियन बलागा में भी हमारे बच्चों के एडमिशन्स आए हैं, हैतीगानों में भी हमारे बच्चों के एडमिशन्स आए हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ में हमारे बच्चों के एडमिशन्स आ चुके हैं, जिनके वेटिंग लिस्ट में है, जिनके रिज़ल्ट अभी डिक्लेयर होने हैं, क्योंकि अप्रॉक्स 28 स्टूडेंट्स हैं एमबीबीएस के लिए, तो उनके अंदर क्रायोवा यूनिवर्सिटीज़ के वेटिंग कर रहे हैं कि उनका रिज़ल्ट आने वाला है, इस महीने के लास्ट तक आ ही जाएगा। ओवडीएस के है, ओरिडिया के है, विक्टर के है, गलाटी के हैं, तो इनके रिज़ल्ट वेटिंग में हैं। इवन जितनी भी मैंने ये यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं, इनमें से सेकेंड राउंड 3 यूनिवर्सिटीज़ ओपन करने वाली भी हैं। अगर अभी भी आप चाहते हैं कि मैं रोमानिया में पढ़ने के लिए जाऊं एमबीबीएस स्पेशली, तो वो इमीडिएटली हमें संपर्क करें, तो उनको हम प्रॉपर हेल्प कर सकते हैं। हम रोमानिया में ही एमबीबीएस को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हमारे पास शेंगेन की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारे पास शेंगेन की कौन कौन सी एमबीबीएस से रिलेटेड कंट्रीज़ हैं, तो उसकी हमने एक प्रॉपर पीडीएफ प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है। वहां जाकर आप एमबीबीएस इन अब्रॉड की वो पीडीएफ ज़रूर देखें, और साथ में हमने एक गजट की भी नोटिफिकेशंस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई हुई हैं, किन के लिए, जो एफएमजी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमबीबीएस अब्रॉड जाकर करनी है, उनके लिए एनएमसी का कौन सा गजट उनको रीड आउट करना पड़ेगा बिफोर डूइंग देयर एमबीबीएस इन अब्रॉड, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है, उसको ज़रूर रीड करें अगर आपकी डेसिजन एमबीबीएस की अब्रॉड की है। इवन इस वीडियो में मैं ये भी क्लियर कर दूँ, जिन बच्चों की डेस्टिनेशन MBBS और BDS करने के बाद प्रैक्टिस इंडिया में आके करने की है, तो उनको मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कि वो अपनी MBBS इंस्टेड ऑफ किसी भी फॉरेन कंट्री की बजाय इंडिया में ही करें, क्योंकि NMC का जो गजट है दैट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट टूवर्ड्स द FMG स्टूडेंट जो फॉरेन में जाकर MBBS करते हैं। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपकी किसी भी टाइप की क्वेरी है रिलेटेड टू MBBS इन अब्रॉड, या आपके किसी भी फ्रेंड ने किसी भी फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर मेडिकल से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम करना है, तो उसको जो वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।